एवरीवन, माय सेल्फ स्वाति एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ जो पिंक बीची वाइब्स देता है एंड ऑल्सो उसके साथ हल्के से मेसी हेयर। सो ये बीच काइंड ऑफ मेकअप लुक है एंड पार्टी के लिए भी आप इसे कैरी कर सकते हो। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आई एम यूजिंग गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर अपने फेस पे ताकि स्किन हाइड्रेट रहे। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का स्किन प्लम्प फेस सीरम। ये काफ़ी अच्छा सीरम है अगर आपके रिंकल्स से फाइन लाइंस वगैरह है उसके लिए, तो मैं इसे अच्छे से मसाज कर लूँगी। देन आई एम यूजिंग ब्लू हेवन का प्राइमर अगर ओपन पोर्स है तो ये उसे मिनिमाइज़ करने में अच्छे से हेल्प करता है एंड ऑल्सो आपका जो फाउंडेशन है वो काफ़ी इवनली एंड उसका जो बेस है वो काफ़ी अच्छा दिखता है अगर आप प्राइमर यूज़ करते हो तो। देन आई एम यूजिंग ब्लू हेवन का एचसी हाई कवरेज फाउंडेशन। इसमें प्राइमर एंड सनस्क्रीन दोनों भी है, तो अगर आपको स्किप करना है वो दोनों चीज़ें तो आप इसे यू नो 3-in-1 तरीके से यूज़ कर सकते हो। सो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सेम ये जो ब्लेंडर है वो भी ब्लू हेवन का ही है। देन आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का कंसीलर। ये काफ़ी अच्छा कंसीलर है, तो मैं अपने आईलिड पे, अंडर आइज पे एंड जहाँ पर भी पिगमेंटेशन वगैरह है वहाँ पर इसे अप्लाई करूँगी एंड अगर कोई एरिया हाईलाइट करना है तो वहाँ पर भी, एंड इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड ऑल्सो इसका जो कवरेज है वो भी काफ़ी अच्छा है। सो अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट देखना है तो इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। देन आई एम यूजिंग फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर अपने पूरे बेस को अच्छे से सेट करने के लिए। देन आई एम यूजिंग ब्लैक आई शेडो टू फील माई ब्राउज। ये इतना डार्क नहीं है, थोड़ा हल्का लाइट है तो मेरे ब्राउज के साथ काफ़ी अच्छे से जाता है। देन आई एम यूजिंग दिस पिंक आई शेडो अपने क्रीज लाइन पे एंड ऑल्सो आउटर वी पे भी इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। एंड ये जो आई शेडो पैलेट है वो है SFR का जॉ ब्रेकर आई शेडो पैलेट। ये काफ़ी अच्छा एंड ऑल्सो पिगमेंटेड पैलेट है। देन आई एम यूजिंग दिस पिंक शिमरी शेड अपने 1/3 आई लिड पे एंड इसे मैं अपने फिंगर की हेल्प से अच्छे से प्लेस करूँगी। देन फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं दोनों को अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि यू नो हार्श लाइन्स वगैरह ना दिखे। एंड सेम मैं अपने लोअर लैश लाइन पे भी इसे अच्छे से अप्लाई करूँगी। एंड यहाँ पर मैं यूज़ करूँ लैक्मे का लिप बाम। देन आई एम यूजिंग मी नाउ जनरेशन 2 का मस्कारा अपने लैशेस पे अच्छे से इसे अप्लाई कर लूँगी। देन आई एम यूजिंग लैक्मे का इंस्टा लाइनर अपने जो भी लैशेस है उसके बैंड को हाइड करने के लिए। एंड मैं सेम जो आई शेडो मैंने अप्लाई किया था उसे एज अ ब्लश अप्लाई करूँगी। सो ये एक हैक है एंड ये जो मेकअप मैंने किया है उसके साथ ये काफ़ी अच्छा जाता है। एंड आई एम यूजिंग हाईलाइटर, ये जो पैलेट है वो है वेट एंड वाइल्ड का, एंड जहाँ पर भी मुझे हाईलाइट करना है वहाँ पर मैं इसे अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी ताकि हल्का सा यू नो ग्लोई लुक आए उसके लिए। देन आई एम यूजिंग मैलियो का मैट मेल लिपस्टिक। ये जो शेड है वो पिंक शेड है आई थिंक, एंड उसे थोड़ा सा लाइट करने के लिए आई एम यूजिंग न्यूड शेड उसके साथ मिक्स करके ताकि आई शेडो के साथ मैच हो। एंड देन आई एम यूजिंग सेम अगेन टोनर अपने मेकअप को अच्छे से सेट करने के लिए। एंड हेयर इज़ माई फाइनल फिनिश लुक। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट की डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पर मैंने सारे लिंक दिए हुए हैं। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। बाय।